शिवरात्रि से पहले सेक्टर 29 के मंदिर में किया गया श्रद्धालुओं के लिए लंगर का आयोजन व सुरक्षा का भी रखा गया खास ख्याल। तो चलिए जानते हैं मंदिर की प्रशासन से कि इस बारे में उनका क्या कहना है। स्वागत है आपका अर्थ प्रकाश टीवी में। मैं हूँ आपके साथ स्माइल चौधरी। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 29 के शिव मंदिर में। तो आइए अब हम यहाँ बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों की कितनी श्रद्धा देखने को मिली और कितने लोग यहाँ पर आए और कोरोना का कैसे यहाँ पालन किया गया। नमस्कार सर, सर आपका नाम? ललित भाई। सर आज शिवरात्रि है तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा आई होगी। कितनी भीड़ आई थी आज लोग श्रद्धालुओं में यहाँ पर? ऐसा अभी तक इतना ज़्यादा उत्पन्न तो नहीं हुआ, मतलब जो श्रद्धालु जैसे पहले आते थे 2-2.5 हज़ार बंदा आता था, इस बार अभी तक वो नहीं आया। लेकिन ये है कि 100-200 बंदा 300 बंदा तक तो है, पर एक आ रहा है, 2-4 आ रहे हैं, 2-4 जा रहे हैं, ऐसे है। तो मालपूड़े और खीर का हमने लंगर लगाया हुआ है। तो ये है कि परमात्मा को याद करने का एक साधन है भी। हाँ, आज शिवरात्रि है तो बड़ा पावन सा दिन है, तो इसलिए हमने किया हुआ है। सर मतलब एक साथ ऐसे मतलब झुंड में या वैसे लोग नहीं है? नहीं, ऐसे इकट्ठे कोविड का पालन किया जा रहा है। वैसे भी इकट्ठे इस समय पब्लिक भी बहुत समझदार है, और चंडीगढ़ की पब्लिक तो वैसे ही बहुत समझदार है, धीरे धीरे आ रही है। कोई साथ में ये नहीं है कि धक्का मुक्की वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। और हमने भी पहले ढोल वगैरह मंगाते थे, इस बार अभी कुछ नहीं मंगा रहे। इसलिए नहीं मंगाया कि यहाँ 2-4 बंदे आ जाते हैं, 2-4 बंदे जा ही जा रहे हैं, लाइन में आके लाइन में चलते। सर कोई नियम आपकी तरफ से कि मास्क पहनना, ऐसे कुछ नियम है जो आपने लगाए? वो मंदिर के अंदर जो है लिख के लगाया भी हुआ, वहाँ भी उनका सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन करो। वैसे धीरे धीरे जो है 2-4 अंदर और 2-4 उनको भी बुला हुआ है, पंडित जी हमारे जो हैं वो पंडित जी को भी बुला हुआ है कि इसको खास ख्याल रखा जाए कि अंदर कैसे आना कैसे नहीं आना, मास्क पहन के। सर मतलब कोई है कि आप मतलब ज़्यादा भीड़ होने पर आप बंद कर देंगे मंदिर या ऐसा कुछ होगा? मतलब एक साथ अगर एक साथ भीड़ हो जाती है तो उससे लड़ने के लिए आपने क्या लड़ने के लिए तो नहीं, मतलब एक हिसाब से कि मतलब उससे हैंडल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हमारे सेवादार हैं, तो सेवादार को बोला हुआ है, होगा तो गेट बंद करते हुए कर देते हैं। यहाँ पहले उनको पता जाने दो, मतलब इधर से आओ इधर से जाके चले जाते हैं, जब वो खाली हो जाता है तो अभी उसको मतलब कहते हैं श्रद्धालुओं को क्या पाए। और सर जैसे कि लंगर वगैरह भी लगता है या वो होता है, तो उसका इस बार कैसे इंतजाम किया गया? अभी तक तो ये पहला लंगर है जी कोविड के बाद जो हमने किया, और वो भी खीर भी हमारी पैक्ड आ रही है, खीर भी हमने ओपन ही रखी। मालपूड़े आ रहे हैं आपके सामने अभी ऐसे एक एक करके दे रहे हैं, और खीर भी इसलिए पैक्ड रखी है कोरोना का अवे करने के लिए, इसको जो उसके नियम है बिठा भी दें, नहीं तो हम बिठा के खिलाते थे, इस बार नहीं करते। वो नहीं किया, आओ लेके और जब चले चलते। सर कोई मैसेज आप श्रद्धालुओं को देना चाहते हो? मतलब यहाँ पे नहीं है भीड़, मतलब काफ़ी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो वहाँ पे आपको कुछ कहना है कि मतलब कि लोग उस चीज़ का कैसे पालन करें? भीड़ ना करें, क्योंकि अभी भी डर तो है ही है ना, थर्ड वेव का जो है तो डर तो है ही है ना, अभी थर्ड वेव इट मे कम इट मे नॉट बी कम। लेकिन ये है कि परमात्मा करे, हम तो कहते हैं कि ये ना ही आए, हम भगवान के घर में बैठे हैं तो परमात्मा से यही अरदास है कि ये ना ही आए, क्योंकि लास्ट टाइम भी बड़ा नुकसान। ओम प्रकाश है तो यदि है तो हम यही कहेंगे कि इस पर पंडित जी प्रसाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।